ऑल नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग में। कुछ बातें मैं करने जा रही हूँ, उससे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे अरमान मलिक फैमिली के बारे में। अरमान मलिक फैमिली इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में घिरी हुई है, सबको पता है, क्योंकि उनकी बहुत हार्ड ट्रोलिंग हो रही है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि बिग बॉस के घर के अंदर कोई गए हैं, उसके केसेस खुले हैं, उसकी ट्रोलिंग हुई है। ये एक कोई वहाँ से हीरो बन के निकलता है तो कोई विलन भी बन के निकलता है। हो सकता है लोग विलन बन के निकले, लेकिन सच बताऊं तो ये सब चीज़ें 2-3 महीने की ही है। 2-3 महीने बाद सब कुछ सही हो जाएगा। इसी बीच में क्या आ रही है कि पायल को धमकी आ रही है। देखिए, जब बिग बॉस के घर के अंदर कोई जाता है ना और उसकी नेगेटिव इमेज बन जाती है, तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है कि उनकी फैमिली को हेट देना शुरू कर देते हैं। अब उसमें कोई भी हो, बहुत लोगों को पहले ये चीज़ें मिली है, इंक्लूडिंग हिना खान को भी काफ़ी ज़्यादा हेट मिला था, आपको याद होगा। लेकिन जब वो घर के बाहर आई तो पता चला कि असली विलन तो वो है जो जीती है। हिना खान ने सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला था। तो ये चीज़ें हो जाती है क्योंकि ये है बिग बॉस का हाउस, इसमें ऐसा ही होता है, जो चलता है, जो बिकता है, वही दिखता है। यहाँ पर वो कंडीशन है। लेकिन उन सिचुएशन में अगर आप किसी को की फैमिली को लाइफ थ्रेट दे रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो वो चीज़ें गलत हो जाती है। यहाँ पर कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि इस चीज़ को हमें पता था कि भाई एक्शन होने वाला है, और आज उन्होंने अपने ब्लॉग में भी बताया है, कुछ हिंट भी है किन किन लोगों पर एक्शन हुआ है। और ये पायल अकेली नहीं कर रही है, उनके साथ में और लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया है, ये भी मैं आपको बता दूं। यानी ये कहें कि पायल जो कर रही है वो एक म्यूचुअल डिसीजन है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि पायल अरमान के बिना कुछ भी नहीं करती, ये सच है, लेकिन पायल को डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि अब बात उनकी फैमिली पर आ रही थी। उनकी फैमिली को गालियाँ दी जा रही थी, उनकी फैमिली को बच्चों को थ्रेट दिया जा रहा था, बच्चों को ट्रोल किया जा रहा था। उसका मेन रीज़न ये है कि जो केस चला है अरमान मलिक के ऊपर, जो केस लग रहा है माइनर वाला, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था। अब उसके लिए मैंने एक चीज़ बोल दी थी अपनी वीडियो में कि भाई माना कि उनके ऊपर केस चल रहा है, बट हम लोग जज नहीं हैं। अगर हम रिएक्शन वाले हैं, हमारा रिएक्शन का काम है, तो मतलब कि यूट्यूब पर जो चल रहा है उस पर, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, सोशली जो चल रहा है, जो दिख रहा है, उस पर रिएक्ट करना, ना कि जजमेंट करना, वो हमारा काम नहीं है। हम यहाँ जज नहीं है। अगर इस तरीके से कोई भी जज बन जाता तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करने की लोगों को जज बन जरूरत नहीं थी, बैठ के किसी को भी यहाँ जजमेंट देते। YouTube पर अगर आप काम करते हो या किसी कंपनी में काम करते हो, आपकी एक अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे YouTube पर भी कोई लोग अपनी पर्सनल चीज़ें दिखाते हैं, यानी कि ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ लोग अपनी पर्सनल नॉलेज शेयर करते हैं, यानी कि नॉलेजेबल चीज़ें दिखाते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें शेयर करते हैं, जो यानी कि टेक्निकल चीज़ें दिखाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर दूसरों पर जो है सोशल मीडिया पर दिख रहा है उन पर बात करते हैं, जैसे कि कोई रोस्टिंग चैनल हो गया, कोई रिएक्शन चैनल हो गया, या फिर कोई न्यूज़ चैनल हो गया। तो हर एक की अलग अलग कैटेगरी होती है। ऐसे ही कैटेगरी है एक रिएक्शन चैनल। बट लोग क्या सोचते हैं कि अगर रिएक्शन चैनल है तो इसका मतलब यह है कि इन लोगों को वही बोलना चाहिए जो आप बोलना चाहते हो, यानी कि आप सोचते हो। पर लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर आपकी राय किसी के लिए पॉजिटिव है तो हो सकता है किसी दूसरे के लिए उसकी राय नेगेटिव होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम आपकी भाषा बोलें। हम यहाँ पर बैठकर किसी को, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, किसी ने चोरी की है, जब तक उसकी चोरी पता ना चल जाए कि उसने जुर्म किया है, 100% श्योर ना हो, सबूत ना मिल जाए, जब तक कोर्ट उसको ना बोल दे कि हाँ चोरी की है, और हम उसको चोर बोल दे भी ना जाना, तो पता है ये भी एक क्राइम के दौरान आता है, ये भी एक क्राइम होता है। अगर हम क्राइम के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं तो हम क्रिमिनल नहीं बन सकते। लेकिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर लोग बोलते हैं तुम एक इष्ट का, यानी कि आप समझ सकते हो मैं क्या, इसका साथ दे रहे हो। नहीं, साथ नहीं दे रहे हैं। जहाँ वो गलत है उस पर आवाज़ उठाई है, जहाँ उनको के लिए हमें लगा कि गलत चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। अगर इस वक्त में उनके बच्चों को ट्रोल किया जा रहा है, कभी नाजायज़ बोला जा रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है, तो क्या वो चीज़ें आपको लगता है सही है? वो दूध में बच्चे, उनकी क्या गलती है? अगर चीकू है तो उनकी क्या गलती है, जो है उनके पेरेंट्स के बीच में है। दूसरी ये चीज़ें मैं ये भी बोलती हूँ, हाँ वो लोग गलत हैं कि वो एक साथ दो दो बीवियाँ रखता है, वो लोग इंसान गलत है, लेकिन इसका सोल्यूशन आप लोग बताइए ना कि क्या हो सकता है।
आप लोगों के हिसाब से पाल को तलाक दे देना चाहिए, चले जाना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ ये सोल्यूशन है इस चीज़ का? अगर वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं तो क्या उनको गला घोट दिया जाए, अब उनको मार दिया जाए कि आपने दो शादियां की हैं? तो इस चीज़ का हम क्यों जजमेंट करें, हम क्यों इस चीज़ पर उनको ब्लेम करें? वो गलत हैं, लेकिन अगर आप उनसे सीख रहे हो ये चीज़, आप बोलते हो कि सोशली गलत मैसेज जा रहा है, ठीक है जा रहा है, सबको पता है जा रहा है, लेकिन आप अगर उससे सीख रहे हो वो चीज़, गलत चीज़ें सीख रहे हो, तो क्या लोगों की गलती नहीं है जो ये गलत चीज़ें सीख रहे हैं? क्या आप अपनी फैमिली में अपने भाई को या फिर किसी को ये एडवाइस देंगे कि तुम दो शादी कर लो, या अपने हस्बैंड की कोई करा देगा? नहीं, कोई नहीं कराएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो, उन्होंने दो शादी की हुई है तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको गालियां नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जजमेंट करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ जज नहीं है। लेकिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, लोगों को वही चीज़ें अच्छी लगती है जिस पर वो देखना चाहते हैं। अब कुछ जहाँ पर उनके लिए, अगर वो गलत दिखे, उनके लिए गलत बोला कि भाई इनके ऊपर ये केसेस लग रहे हैं, जो प्रूफ आए उनके हिसाब से बोला कि केसेस लग रहे हैं, लेकिन हम इनको गुनहगार नहीं बताएंगे क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। हम क्यों भाई अपने आप को गलत चीज़ों में फंसाएं, हम क्यों अपने? लेकिन लोगों को ये लगता है हमें बोलना चाहिए, आवाज़ उठा रहे हैं ना, जो सबूत आ रहे हैं उसके हिसाब से आवाज़ उठा रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि कैंडल लेके उनके घर के बाहर खड़े हो जाएं? लेकिन ये लोग जो कमेंट करते हैं, आप लोगों के लिए कमेंट करना बहुत आसान है। आप कमेंट करके किसी को सही या गलत जज कर लेते हो, बहुत आसान है, क्योंकि आप लोगों की आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है नामुमकिन है, लेकिन लोग वहाँ तक चीज़ें नहीं जाते। लेकिन जो इंसान बैठकर सोशल मीडिया पर अपना फेस दिखाकर वीडियो बना रहा है, प्रूफ दे रहा है, वो जजमेंट नहीं कर सकता है। एक वकील भी अगर है ना, तो वकील भी जजमेंट नहीं दे सकता है। तो ये चीज़ें लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बोल रहे हैं कोई चीज़ें, तो हम जो चीज़ें दिख रही है उसके बिना आपको बोलेंगे, ना कि आपके हिसाब से बोलेंगे, क्योंकि आपके लिए कमेंट करना बहुत आसान है। हो सकता है हमारी भी राय आपके जैसी हो, लेकिन फिर भी हमें सोच समझ के बोलना पड़ेगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि वो गुनहगार है, तो हमारे चैनल्स पर या किसी के चैनल पर हेट कमेंट्स करके या फिर उसको न्याय दिया लाओ, उसको न्याय दिलाओ, इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि कैंडल लेके उनके घर के बाहर पहुँच जाओ, कैंडल लेके वहाँ पहुँच जाओ जहाँ वो लड़की जाती है, जहाँ वो लड़की स्ट्रगल कर रही है। आज के टाइम पे बहुत लोग खड़े हो रहे हैं, हमारे पास सबूत है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन ये लोग 5 साल से कहाँ थे? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि क्यों उस बच्ची को इतना स्ट्रगल करने दिया? अगर आप लोग इस वक्त उन लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हुए हो जो बोल रहे हम इंसाफ दिलाएंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे, तो भाई एक बार दिलाओ तो सही, दिलाओ तो सही। यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैठकर, यूट्यूब पर गाना गाकर या फिर यूट्यूब पर रोज वीडियो बनाकर मैं इंसाफ दिलाऊंगी, मैं इंसाफ दिलाऊंगी, इंसाफ नहीं होगा, मेरे कहने से इंसाफ नहीं होगा। आप लोगों को ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ ना तो मेरे कहने से होगा, ना आपके कहने से होगा, ना तो सड़कों पर कैंडल लेने से होगा, ना ही हेट कॉमेंट्स देने से होगा। इंसाफ होगा जो कि कोर्ट करेगी, कचहरी करेगी, और वो चीज़ें अब चल रही हैं। क्या आपको अपनी कानून व्यवस्था पर इतना भी विश्वास नहीं है? चीज़ें हो सकता है बीच में दबाई गई हों, लेकिन वो चीज़ें दब गई थी, जब तक दब गई थी, लेकिन अब वो चीज़ें बहुत उजागर हो रही है, सामने आ रही हैं, तो इतनी आसानी से नहीं दबेगी। पर आपको विश्वास तो करना चाहिए ना, अगर वो गुनहगार है तो उसको सज़ा मिलेगी। बट आप हम लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम उसको गुनहगार साबित करके फांसी पर चढ़ा दें, या फिर 24 घंटे हम उसकी बुराई कर सकते, सॉरी हम नहीं कर सकते भैया, नहीं जमीन गवारा होता हमारा ये चीज़ें करने के लिए, लेकिन सपोर्ट करने के लिए भी नहीं होता, ना तो सपोर्ट में है ना ही अगेंस्ट है। एक अलग रहकर अपनी जो स्थिति है उस चीज़ को देखकर हम लोग उसके हिसाब से वीडियो बनाते हैं, और वही हम करेंगे। तो अगर किसी को ये चीज़ें बुरी लग रही है कि मैं इसको गालियाँ क्यों नहीं दे रही हूँ, मुझे गालियाँ देनी चाहिए या फिर मुझे उन पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए, तो वो मेरा नेचर नहीं है। जो लोग गालियाँ दे के वीडियोज़ बना रहे हैं, वो उनका नेचर है, वो उनका तरीका है, शायद उनको चीज़ें सही लग रही है, बट मुझे नहीं लगती तो मैं नहीं देती हूँ। आप लोगों को अगर ये चीज़ें सही लगती है, गलत लगती है, आप उसके हिसाब से कमेंट कर सकते हो, लेकिन आप उन कमेंट्स में हमको गाली नहीं दे सकते, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे जज करने से, हमारे इंसाफ की लड़ाई करने से क्या इंसाफ मिल जाएगा?
आप सिर्फ इतना बता दीजिएगा, अगर हमारे लड़ाई करने से इंसाफ मिल जाएगा तो ठीक है, हम भी आपके साथ में लग जाते हैं। लेकिन पहले एक आप एक काम करिएगा, आपके भी कमेंट्स करने से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। आप भी जाके मोर्चा निकालो, सबको यहाँ पे आज़ादी है, आप भी वीडियोस बना सकते हो। आपको अगर फेस वीडियो बनाने की आज़ादी नहीं है तो बिना फेस के वीडियो बनाओ, आप भी ये कर सकते हो। सिर्फ कमेंट्स करने से कुछ नहीं होगा, या फिर हमारी फैमिली को ब्लेम करके या हमारी फैमिली को गाली देके कुछ नहीं होगा। आई होप कुछ चीज़ें लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझा सकती। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।